के बेगूसराय से 40 किलोमीटर दूर मंसूरचक प्रखंड के आगापुर गांव में लोगों के लिए जहरीले सांप खिलौना बन जाते हैं। नागपंचमी के कुछ दिन पहले से यहां के लोग सांप पकड़ना शुरू करते हैं और नागपंचमी मेले में सांप का प्रदर्शन किया जाता है। जिसका सांप जितना जहरीला उसकी मेले में उतनी ही पूछ परख होती है। सांप पकड़ने के इस खेल में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन ये परंपरा आज भी कायम है। यहाँ नागपंचमी के मौके पर एक हफ्ते का मेला लगता है। सांप काटने से दुनिया भर में होने वाली मौतों की संख्या में भारत सबसे आगे है। WHO के मुताबिक हर साल 83,000 लोग सांप के दंश का शिकार होते हैं और उनमें से 11,000 की मौत हो जाती है। मौत का सबसे बड़ा कारण है तुरंत प्राथमिक उपचार न होना। भारत में आधे लोग सांप काटने के बाद तंत्र मंत्र पर यकीन करते हैं। भारत में सांपों की कई तरह की प्रजातियाँ हैं। यहाँ सांपों की लगभग 236 प्रजातियाँ हैं, जिनमें ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। देश में जहरीले सांपों की 13 प्रजातियाँ हैं। इनमें 4 बेहद जहरीले होते हैं, जिसमें है कोबरा, रसल वाइपर, स्केल्ड वाइपर और करेत। देश में सबसे ज्यादा मौतें नाग या गेहुवन व करेट के काटने से होती है। बिहार के बेगूसराय से 40 किलोमीटर दूर मंसूरचक प्रखंड के आगापुर गांव में लोगों के लिए जहरीला सांप खिलौना ही बना हुआ है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।